हेलो, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 5th EVS। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हमारा चैप्टर नंबर 9 हम रीड कर रहे थे, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिब केज। रिब केज क्या होती है? रिब केज हमारी जो पसलियाँ होती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रिब केज इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जो रिब केज होती है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमारी ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको चेस्ट कैविटी यानी कि वक्ष गुहा कहा जाता है। तो वहां पर ये हमारी रिब्स जो है, यानी कि जो हमारी पसलियां है, प्रेजेंट होती है। इट इज मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बो शेप्ड रिब्स, और ये जो है 12 पेयर जोड़े है ना, 12 पेयर होते हैं। और ये जैसे इंद्र, जैसे वो नहीं होते धनुष, धनुष देखो इस बुक में, देखो आप धनुष के शेप में जो है ये हमारी जो रिब्स है ये प्रेजेंट होती है, और ये 12 पेयर होती है। ये देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये जो है 12 पेयर में जो है बनी हुई होती है, विच टुगेदर फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर, और ये एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। एज इट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट, क्योंकि ये चेस्ट में प्रेजेंट होती है, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स इनक्लोज्ड इन इट, और इसीलिए ये हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमारे जो हार्ट है यानी कि जो हमारा दिल है और जो हमारे लंग्स है वो हमारे इस चेस्ट कैविटी के अंदर ही पाए जाते हैं, और उनके ऊपर हमारा रिब केज होता है, तो ये हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। आगे देखिए, दीज कर्व शेप्ड कर्व्ड बोन्स आर जॉइंट विद द बैक बोन। ये जो कर्व्ड, देखो बुक में देखो आप, ये जो कर्व बना हुआ होता है हमारा रिब केज का, ये बीच में हमारी जो क्या होती है बैक बोन, पीछे की तरफ बैक बोन से जुड़ी हुई होती है, और आगे की तरफ ये द एंड द ब्रेस्ट बोन, बट द लोएस्ट टू पेयर्स आर जॉइंट विद द बैकबोन ओनली। आगे की तरफ ये ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई होती है, और पीछे की तरफ ये हमारी बैक बोन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लास्ट वाला जो पेयर होता है, देखिए ये जो लास्ट वाला पेयर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए अपनी बुक में सभी बच्चे देखेंगे, ये जो लास्ट वाला जो पेयर है, बट द लोएस्ट टू पेयर्स आर जॉइंट विद द बैकबोन ओनली, केवल किससे जुड़ा हुआ होता है, केवल बैकबोन से, ब्रेस्ट बोन से आगे से जुड़ा हुआ नहीं होता। दीज लोएस्ट टू पेयर्स आर नोन एज द फ्लोटिंग रिब्स, और इसीलिए इन ये जो सबसे नीचे वाली जो बोन्स है, जो हमारी रिब्स है, उनको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। वैसे फ्लोट यानी तैरना होता है, तो ये एक तरीके से लटकी हुई होती है, तो इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा लिम्स। देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स, जो लिम्स होते हैं वो कि दो पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी कि दो जोड़ों में पाए जाते हैं, द फोर लिम्स एंड द हिंड लिम्स। एक होते हैं फोर लिम्स और दूसरे होते हैं हिंड लिम्स। फोर लिम्स आर कॉमनली नोन एज आर्म्स। फोर लिम्स को क्या कहा जाता है कॉमनली, आर्म्स। आर्म्स यानी कि ये जो हमारी आर्म्स है, बाहें हैं, ठीक है। एंड द हिंड लिम्स आर नोन एज लेग्स, और हिंड लिम्स को क्या कहा जाता है, जो हमारी लेग्स है वो हमारे हिंड लिम्स है, ठीक है। दीज लिम्स आर जॉइंट विथ टू टाइप्स ऑफ गिर्डल, और ये जो हमारे हिंड लिम्स और फोर लिम्स है, ये जहां पर जुड़े हुए होते हैं वो हमारे गिर्डल्स होते हैं, ठीक है। आर्म्स आर जॉइंट विद द शोल्डर गिर्डल, जो हमारे आर्म्स है वो जहां जुड़े हुए हैं, ये है हमारा शोल्डर गिर्डल। एंड द
legs are joined with the hip girdle. और जो हमारे जहां पर में हमारी legs जुड़ी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, hip girdle. Shoulder girdle consists of a collar bone. जो shoulder girdle है, ये जो हमारा पूरा shoulder girdle है, इसमें collar bone होती है ना. collar सभी को पता है, जैसे shirt के collar होते हैं, उसके नीचे हमारी bone होती है. तो वो कौन सी bone है हमारी, collar bone and the shoulder blade. और shoulder blade, ये जो हमारा पूरा shoulder है. तो यहाँ तक सभी बच्चे इस chapter को read करेंगे अच्छे तरीके से.